Hi friends, I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this channel, British English 3873 and English Mantra 1. My dear friends, as you all know, Haryana ke andar mostly students, 90% of the students in Haryana have gone abroad, whether it is Australia, Canada, USA, Italy, Japan. So my dear friends, I have a question for all of you. You have to answer me. And I will explain that word in the next video, next day. And that is the main question आपके लिए क्या रहेगा? एक ही question है, सिर्फ एक word का. माटिया एक question मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि एक word जो हरियाणा में पिछले 2-3 साल से use हो चुका है. हरियाणा का हर person, चाहे वो rural हो या फिर वो urban से belong करता हो, हर person इस word के बारे में जानता है. तो ये आपके लिए पहली है. इंग्लिश का कौन सा वर्ड है जो मोस्ट कॉमनली हरियाणा में यूज किया जा रहा है, जिससे एक रूरल पर्सन, एक अनपढ़ पर्सन, एक अनएजुकेटेड पर्सन भी अच्छी तरीके से जानता है, और वो कहीं ना कहीं आपके अब्रॉड से रिलेटेड है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या यूएसए हो. तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो मोस्टली हरियाणा का हर पर्सन जानता है? तो इसके आंसर के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए. आंसर डालिए आप, और देखेंगे कौन सा बच्चा सही आंसर देने वाला है. और नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में कल 10:30 पर मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं उस वर्ड के बारे में. ओके, बट सॉरी, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड